कर्नाटक में गुरुवार को लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदल वीरू उपशप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें, गिरफ्तारी प्रशांत के पिता के बैंगलोर स्थित कर्नाटक दफ्तर से हुई। इसके बाद लोकायुक्त अधिकारी प्रशांत के घर पहुंचे, यहां उन्होंने 6 करोड़ कैश उन्हें मिला। गिनती करने के बाद अफसरों ने नोटों के बंडल बिस्तर पर रख दिए। लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि प्रशांत कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2008 बैच के अधिकारी है। उन्होंने साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की, जिसके बाद प्रशांत को रंगे हाथों पकड़ने के लिए योजना बनाई गई। अधिकारी ने बताया कि केएसजीएल के चेयरमैन और भाजपा विधायक मदल वीरू पशुपा और ये रकम उनके द्वारा लाई गई, ऐसे में रिश्वत लेने के इस मामले में पिता और पुत्र दोनों आरोपी है।